हेलो वंदनम सर, अस्सलाम वालेकुम मैडम सर, आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है मेरे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को हमें क्या करना है, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई जिनको भाई पाकिस्तान में हिंदुओं को आपको पता बहुत मतलब अच्छा नहीं समझा जाता, तो आज उसी हिंदू ने जो है ना एक मुस्लिम की जान बचा के साबित कर दिया कि भाई इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। यही आज वीडियो, प्लीज वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, देखते हैं आज वीडियो चलते। मुसलमान जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही होती है, और आज एक हिंदू ने ही एक मुसलमान को बचाया। अब सोचिए ना, एक ऐसा इलाका जहाँ पर मुश्तिलों का जत्था इकट्ठा हुआ, आप जो भी मर्जी रंग दे दीजिए उसको, और उससे एक हिंदू बचाने आया है, आप अंदाज़ा कीजिए कि उसकी कितनी दिलेरी होगी, उसकी कितनी दिलेरी होगी कि उसको पता है कि ये लोग तो मुसलमान को नहीं छोड़ रहे, तो मैं तो हिंदू हूँ, निजाने मेरे साथ क्या करेंगे वो, लेकिन फिर भी उसने दिलेरी दिखाई है। सल्यूट है उसको दोस्तों। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने, दो घेराव कर लेते हैं, मुश्तिल हो जाते हैं लोग और उसको निकाल कर जलाने की कोशिश करते हैं। उस बीच में आते हैं ये प्रेम कोहली, जो डेड बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं कि कहीं पर ये लोग इनको इसको जलाना आते हैं, एक मुसलमान की डेड बॉडी को बचाने के लिए। और जब ये सब कुछ हो जाता है, कोहली एक मिनॉरिटी, एक हिंदू शख्स हीरो बना हुआ है, जहाँ पर मुसलमान उसका हाथ चूम रहे हैं। ये एक तस्वीर है जो प्रेम कोहली की है, जिसे लोग हीरो मानते हैं। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वर्दी में मलबूस पुलिस अहलकार कह लीजिए, या मैं इनको कोई लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता गुस्से में गलत, ये वो हैं, और कुछ लोगों के लिए ये हीरो हैं। ये दोनों तस्वीर के पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और उसके बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में इन दोनों तस्वीर में से कौन हीरो है। असल में कहानी यह है कि उमरकोट सिंध का एक इलाका है, जहाँ के डॉक्टर शाहनवाज हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर हैं और बड़े काबिल डॉक्टर माने जाते थे। उनके ऊपर एक मौलवी ने 17 सितंबर को एक दरख्वास्त दी उनके खिलाफ थाने में कि तोहीन मज़हब का मवाद उन्होंने पोस्ट किया है फेसबुक के ऊपर, जिसके ऊपर डॉक्टर शाहनवाज ने बताया कि वो फेसबुक वो यूज़ ही नहीं कर रहे काफ़ी अरसे से, और कभी उन्होंने कोई चीज़ पोस्ट नहीं की है, किसी ने हैक करके ये लगा दिया है। और उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया डॉक्टर शाहनवाज ने, कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ और मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। मगर इन सब बातों के बावजूद 12 रबी अव्वल का जुलूस था, जो कि मुश्तिल हो गया और पुलिस का घेराव कर लिया और पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला। ये सब देख डॉक्टर शाहनवाज अपने शहर से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, और रिपोर्टेडली वो कराची गए, वहाँ से पुलिस ने, उमरकोट की पुलिस ने उनको पकड़ के दोबारा वहाँ पर लेके आए। और उसी रात को, ये डॉन अखबार के अंदर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेज़ी अखबार है, उन्होंने लिखा कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया डॉक्टर शाहनवाज का। मगर पुलिस के मुताबिक ये इनकाउंटर नहीं था, बल्कि उन्होंने उनके साथी ने, यानी डॉक्टर शाहनवाज के साथी ने फायर किया, जिसके ऊपर पुलिस को जवाबी फायर करना पड़ा और डॉक्टर शाहनवाज का मर्डर हो गया। उसके बाद पुलिस वालदैन के हवाले कर देती है उनकी डेड बॉडी, और जिसकी तदफीन उनका जो अपना एक इलाका है, बाई गांव कह लिए जान हीरो, वहाँ पर तदफीन करने होती है, और वहाँ पर लोग मुश्तिल हो जाते हैं और उनको कब्रिस्तान में तदफीन नहीं करने देते। उसके बाद वहाँ से एक दूर किसी और गांव में जाते हैं जिसका नाम है नबी सर थर, वहाँ पर तदफीन करने लगते हैं, मगर वहाँ पर भी लोग आ जाते हैं और उनको वहाँ पर भी कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देते। वो रात के अंधेरे में वापस उनको गाड़ी के अंदर बंद वापस लाना लेके आ रहे होते हैं, कि जलूस को पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि इस गाड़ी के अंदर उसकी डेड बॉडी है, तो घेराव कर लेते हैं, मुश्तिल हो जाते हैं लोग और उसको निकाल कर जलाने की कोशिश करते हैं। उस बीच में आते हैं ये प्रेम कोहली, जो डेड बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं कि कहीं पर ये लोग इनको इसको जलाना आते हैं, एक मुसलमान की डेड बॉडी को बचाने के लिए। और जब ये सब कुछ हो जाता है, बाद में किसी सहराई इलाके में जाकर उसकी तदफीन कर दी जाती है। इस बीच में एक पूरे का पूरा मजमा कह लीजिए, जत्था कह लीजिए, वो थाने में जाता है और उन पुलिस ऑफिसर्स को चूमता है, फूलों के हार पहनाता है, जिसके ऊपर है कि इन्होंने मर्डर किया डॉक्टर शाहनवाज का। पुलिस ने, सरकार ने, और ये पुलिस किसकी है, ऑक्सफोर्ड में पड़े हुए बिलावल भुट्टो के सूबे की पुलिस, आप अंदाज़ा कीजिए। आप यकीन माने, मैंने जब से खबर पड़ी, मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उसके बच्चों के ऊपर, बेटों और बेटी के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर, उनके वालदैन के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। मुझे ये समझ नहीं आती, ये चीज़ एक ऐसी हो जाती है जिसके ऊपर कोई, आई डोंट नो कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद इनको स्टेट की तरफ से कुछ खास
सजा नहीं मिलती। अब ये जितने लोग थे, खा वो 100 हो, खा वो 1000 हो, खा वो 10,000 हो, खा वो 1,00,000 हो, स्टेट का काम बनता है एक एक को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर जो भी कानूनी सजा मिलती है वो दे। और सबसे पहले तो वर्दी में ये मलबूस माजत के साथ जो दरिंदे हैं, सबसे पहले इनको सजा दें। ये जो हीरो बने हुए हैं, हीरो का लबादा जिन्होंने ऑर्डर रखा है, सबसे पहले इनको सजा दें कि इनको किसने हक दिया कि कानून से हटकर किसी को, किसी का मर्डर करने का। और सबसे आसान चीज़ है ये वाली कि उन्होंने जनाब फायर किया था, हमने इनकाउंटर, हमने जो अभी कार फायरिंग की और वो मर गया। एक बंदा जो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भागा फिरता है, उसने फायर कर दिया, उसके साथियों ने फायर कर दिया। ये हमेशा पुलिस का होता है। और ये बिलावल भुट्टो के ऊपर है जो अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज कहते हैं, ये उसकी पुलिस का काम है। ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए बिलावल भुट्टो की पुलिस का काम है। मैं स्पोर्ट्स पे करता हूँ, मैं इन चीज़ों पे करता नहीं, बट मुझे लगता है कि हम सबको बोलना चाहिए। ये जो हमें मफलूज करके रख दिया हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को, पाकिस्तान में हमेशा ये आवाज़ उठाई जाती है कि 3-4 करोड़ बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मैं मदरसों के खिलाफ नहीं हूँ, मगर उस पढ़ाई की वजह से जो चीज़ें गलत आती हैं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। मतलब आप हर मोहल्ले में देख लीजिए, आपके इर्द गिर्द में एक 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 ना एक मदरसे का बच्चा होगा। मैं खुद भी मस्जिद में पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, सभी हम सब लोग मस्जिद में शायद कुरान पढ़ते हैं, अब शहरों में आकर लोग यू नो टीचर से पढ़ लेते हैं। बट पॉइंट इज़ के आपको उसको देखना है, आप इंसानियत को बिल्कुल मतलब भूल चुके हैं कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। एक बंदा पाकिस्तान में कितने ऐसे केसेस हुए हैं जिसके बाद ये पता लगा कि ये जाति यू नो के झगड़ा था जिसको रंग दिया गया। अब भले वो श्रीलंकन एक बेचारे का जो मर्डर हुआ उसका देख लें, वो बाद में पता लगा कि जाति लड़ाई थी जिसको ये मजहब का रंग दिया गया। आसिया बीबी का जो शेखुपुरा का था, उसको सजाई मौत दे दी थी हमारी अदालत ने, बाद में पता चला कि नहीं वो गलत था और फिर उसको हुकूमत ने बचाया, अच्छा किया। और भी इस तरह के 200 वाकयात हैं जिसके बाद पता चलता है कि जाति झगड़ा था जिसको रंग ये दे दिया गया। और ऐसा होता है। और ये जो भी चीज़ है, अगर हमारा हाँ मतलब पाकिस्तान है, कोई बनाना स्टेट तो नहीं है ना, अदालतें हैं, पुलिस है, सब कुछ है। अब पुलिस ने कहा जा रहा है कि प्रेशर में आकर, लोगों के दबाव में आकर ये काम कर दिया, और उन लोगों के लिए वो हीरो हैं, और कुछ लोगों के लिए, मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए, वो प्रेम कोहली हीरो हैं, मैं उनको हीरो मानता हूँ। उसका लोग हाथ चूम रहे हैं, चूमना चाहिए उनका हाथ। मैं ना ही तो कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बट मैं एक इंसान ज़रूर हूँ, और मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान पर तकलीफ पहुँची है, किसी पर दर्द हुआ है, उसके लिए बोलना चाहिए। आई फील सॉरी फॉर द फैमिली ऑफ यू नो डॉक्टर शाहनवाज, उनके मन में क्या चल रहा होगा, उनके आप सोचें ये खबर आप तक पहुँचती है, आपको कितना आप रंजिदा होते हैं। मगर उस फैमिली जिनके सामने सब कुछ हुआ, जिन्होंने ये पिछले 2-3-4-5 रोज़ में सब कुछ सहा, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो मुसलमान है और मुसलमानों के हाथों से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को रोकना है और स्टेट को रोकना है। सबसे पहले जो है इसके जिम्मेदार, उनको सजा होनी चाहिए, और स्टार्ट्स फ्रॉम पुलिस, ताकि पुलिस के ऊपर ये रहे। अभी अभी लाहौर का वाकया, पाकिस्तान का शहर जिंदा दिलाने, लाहौर का वाकया, बेचारी एक खतून लिबास पहन के जिसके ऊपर अरबी लुगत लिखा हुआ था, उसके ऊपर मजमा इकट्ठा हो गया कि इसने कुरान का नौजबिल्ला कुछ जो है आयतें क्यों लिखी हुई हैं उसके ऊपर। मतलब एक तो जाहिल, और ऊपर से कॉन्फिडेंस लेवल चेक कीजिए आप इनका। और जब तक इनको नकेल नहीं डलेगी, ये इसी तरह ही फिरेंगे। जब तक नकेल नहीं डलेगी, ये नकेल डालना ज़रूरी है, और किसका काम है, स्टेट का काम है। ये आउट ऑफ द लॉ कोई भी नहीं कर सकता, स्टेट का काम है, और करे भले वो, मैं पहले कह चुका हूँ, 10,000 हैं, 1,00,000 हैं, कितने भी हैं, ये यही उमरकोट का इलाका है। माजरत के साथ, बहुत से पाकिस्तानी दोस्त मेरे से शायद नाराज़ हो जाएं, यहाँ पर कितने हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हुए, कोई बोला? बहुत कम लोग बोलते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बोलते हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो बोलते हैं। एक स्टोरी मैंने भी फाइल की थी, और यकीन माने मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, वो नाराज़ हो गए थे कि यार तुमने क्या किया, जो वहाँ पर हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही होती है। और आज एक हिंदू ने ही एक मुसलमान को बचाया। अब सोचिए ना, एक ऐसा इलाका जहाँ पर मुश्तिलों का जत्था इकट्ठा हुआ, आप जो भी मर्जी रंग दे दीजिए उसको, और उससे एक हिंदू बचाने आया है, आप अंदाज़ा कीजिए कि उसकी कितनी दिलेरी होगी, उसकी कितनी दिलेरी होगी कि उसको पता है कि ये लोग तो मुसलमान को नहीं छोड़ रहे, तो मैं तो हिंदू हूँ, ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे वो, लेकिन फिर भी उसने दिलेरी दिखाई है। ये थी आज की वीडियो, तो अम्मी देख लें क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, है वो एक डॉक्टर है, उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, फेसबुक पे पोस्ट, उस मौलवी ने बोल दिया कि भाई इस बंदे ने ना फेसबुक पे कोई हुरमती कर दी है, तो वो बोल रहा है कि मैं तो फेसबुक चलाता ही नहीं हूँ, मुझे तो बड़ा अरसा हो गया मैंने नहीं चलाया। लेकिन एक वो होता है ना, एक गलत माइंड बना के उसने कुछ किया भी नहीं, फिर भी उस पे जाके उसको मार ही दिया, मार ही दिया उसको। बंदा पूछे तुम मतलब क्या कर रहे हो, उसके वो मार दिया, और फिर उसकी लाश को उठा भी नहीं है किसी ने, पुलिस ने ही मारा उसको, तो पुलिस ने मारा तो अब और क्या हो सकता है, पुलिस ने मार दिया उसको, तो गुंडागर्दी पुलिस वाले भी कर रहे हैं। और इसके बाद जो है क्या नाम लेते हैं उसका, जो मतलब
लाश है ना उसको भी दफन नहीं करने दे रहे। कोई भी बंदा कहता कि इसको ना हमने किसी भी कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देना, और एक जो आया उसने आके अटैक कर दिया इसकी लाश के ऊपर कि हमने अब इसको जला देना, हमने नहीं इसको ना। तो तब बीच में एक आया हिंदू और उसने आके जो है ना उसको बचाया और फिर उसको किसी सहरा में जाके दफन किया। तो यार ये दलेरी हमें देखें, ये कसम से कितने कुछ जाहिल किस्म के ये लोग हैं। ये यहाँ पे तो कुछ भी मतलब हो जाए ना, जैसे वो ड्रेस वाला उन्होंने बताया कि इधर लड़की की अरबी में उसने शायद खूबसूरत लिखा हुआ था वो और ड्रेस पहना हुआ था, तो उसने बोला कि ये तो कुरान पाक की कोई आयत लिखी हुई है और उस पर पता कुछ भी नहीं और उस पर अटैक कर दिया था। और इसी तरह श्रीलंका ने आया था उस पर भी इन्होंने ना अटैक कर दिया, उसको भी जला दिया। मतलब इतने जाहिल किस्म के ये लोग हैं, इसी वजह से इनको कोई भी अपने कंट्री में घुसने ही नहीं देता। सही बात है, कोई भी गाना ही डालता इसी वजह से, क्योंकि ये इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, जिसकी हरकतें ऐसी हो इनको कौन पूछेगा। ना इनके कंट्री में कोई बाहर से आ जाए वो सेफ है, ना ये खुद को सेफ रहने देते हैं, ना किसी मुसलमान को मतलब रहने, जिस पे मतलब दिल किया मार दिया, जो मर्जी किया, कोई भाई खुल्ला मुखुल्ला क्राइम हो रहे हैं, कितना मुश्किल है यहाँ पे जीना सच में, बहुत ज्यादा। क्या अब बोले कि ये तो हमारे स्टेट को चाहिए कि इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लें। और जो है लेकिन हमें बहुत ज्यादा ऐसे हादसा होते हैं, कोई भी नहीं बोलता, पूछता नहीं है, सब चुप करके दो चार दिन शोर करेंगे, बाद में सब ठंडा मामला हो जाता है। लेकिन ऐसे मामला होते रहे तो मैंने तो फिर ना सही बात है बिल्कुल। तो ये थी आज वीडियो, आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलते हैं।